हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। इसके अंदर इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 34,033 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 33,606 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 32,648 पे, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 34,337 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 34,671 पे, उसके बाद रेजिस्टेंस है 34,909 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 35,382 पे। इसको हम थोड़ा और रिफाइन करके देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। फ्रेंड्स, ये सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको 1 आवर चार्ट में दिखाई थी। तो चार पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा हो, नीचे आके यहाँ पे ब्रेकआउट दे, फिर रिटेस्ट करे, फिर नीचे आए, तब हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अपनी रेजिस्टेंस से नीचे आए सपोर्ट की तरफ, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाए, उसके बाद प्राइस जब ऊपर जाना शुरू हो प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाल दे, तब हम उसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिए, फिर ऊपर जाना शुरू किया है, तो हम एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। इसको हम थोड़ा और रिफाइन करके देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में चल के, वहाँ पे और क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि 5 मिनट में एक कैंडल बनती है, वहीं पे 1 मिनट में उसी टाइम फ्रेम में 5 कैंडल्स बनती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर प्राइस नीचे आ गया, तब हमने शॉर्ट किया। वो एक ही चीज़ है, जस्ट द अदर वे अराउंड। प्राइस ने यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे जब प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाल देगा। इसको हम दोबारा से वहीं पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, वहाँ पे और रिफाइन हो जाएगा। तो ये ऊपर का ब्रेकआउट का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगा। ये सेम चीज़ है, जैसे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट पे आया था, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ था, तब हमने बाय किया। यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस पे गया, बेरिश कैंडल बनी है, डबल टॉप बना है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा और रिफाइन करके देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में चल के। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये पहला एग्जांपल था, वहाँ पे प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, और यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट आ गया इस रेजिस्टेंस का। उसके बाद प्राइस ने इसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को निकाल दिया, यहाँ पे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ कहाँ पे लगाना है। जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा उसके ऊपर आपको स्टॉप लगाना है अपना, और टेक प्रॉफिट आपको लेना है जो नीचे की नेक्स्ट अप की सपोर्ट होगी। दूसरा एग्जांपल था, जब प्राइस सपोर्ट पे आया था, प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे एक बार टेस्ट किया आके सपोर्ट को, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने दोबारा आके टेस्ट करने की कोशिश की है। इसको डबल बॉटम कहते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाल दिया, तब हम इसको बाय कर सकते हैं फॉर अ टेक प्रॉफिट ऑफ रेजिस्टेंस। वो डिपेंड करता है, अगर प्राइस पूरा रेजिस्टेंस तक नहीं जा पा रहा और वहाँ पे बेरिश कैंडल्स बन रही हैं, तो आप थोड़ा कम टेक प्रॉफिट में भी निकल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा एग्जांपल था, वाला एग्जांपल जो था उसमें प्राइस जो था ऊपर की तरफ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। ये सेम एग्जांपल है, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, वापस आकर रिटेस्ट किया है, उसके बाद इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल्स के हाई को निकाल दिया, यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, तो आप अपना टेक प्रॉफिट रखेंगे रेजिस्टेंस तक। और ये जो एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, प्राइस ने ऊपर जाके टेस्ट किया रेजिस्टेंस को, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, दोबारा टेस्ट किया, ये डबल टॉप बना। यहाँ पे मैंने आपको डबल बॉटम दिखाया था इस वाले एग्जांपल में, कि प्राइस ने जब हमने उसको बाय किया था, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। उसी तरीके का एग्जांपल है ये, जब ऊपर की तरफ हम लेंगे तो वहाँ पे डबल टॉप बनेगा। यहाँ पे डबल टॉप बने, आप देख सकते हैं, मैं लाइन हटा देता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस ने डबल टॉप बनाया, यहाँ पे एक टॉप बना, उसके बाद यहाँ पे प्राइस नीचे आया, फिर से एक टॉप बना, रिजेक्शन, इसको डबल रिजेक्शन कहते हैं। उसके बाद जब इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल्स के लो को निकाल दिया, यहाँ पे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली पूरी सपोर्ट तक। तो फ्रेंड्स, यही वो लेवल्स हैं जो आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को मॉनिटर कीजिएगा और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, वहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट, डबल टॉप, डबल बॉटम आप क्लियरली देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 1 आवर चार्ट है, इसमें इसकी जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 14,634 पे, उसके बाद जो सपोर्ट है वो 14,492 पे, फिर सपोर्ट है 14,370 पे, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वह 14,736 पे, उसके बाद रेजिस्टेंस है 14,871 पे, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वह 14,961 पे, फिर रेजिस्टेंस है 15,072 पे। इसको भी हम थोड़ा रिफाइन करके देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल के। यहाँ पे भी मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो आपके सारे जो लेवल्स हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाने हैं, ट्रेड्स को आपने एग्जीक्यूट करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया है, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जब प्राइस रेजिस्टेंस पे गया तो नीचे आना शुरू हुआ है, तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देख पाएंगे क्या प्रॉपर यहाँ पे डबल टॉप बना था या नहीं। तो आइए दोस्तों 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं प्राइस यहाँ से सपोर्ट से ऊपर गया रेजिस्टेंस की तरफ, ये एक टॉप बना, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर दोबारा एक टॉप बना।
डबल टॉप बन गए हैं यहाँ पे, विच मीन्स रिजेक्शन। उसके बाद ये जो कैंडल है, बियरिश कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल्स के लो को निकाल दिया। यहाँ भी आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ भी आप शॉर्ट कर सकते थे, पर टेक प्रॉफिट ऑफ सपोर्ट। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस ने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है, प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट करने की कोशिश की, पूरा रिटेस्ट नहीं कर पाया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं जब एक बुलिश कैंडल बने जो प्रीवियस कैंडल्स के हाई को निकाल दे। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो पूरा रिटेस्ट की वेट करें, पूरा जो प्राइस है वापस अपनी सपोर्ट पे है, फिर ऊपर जाना शुरू हो तब आप उसको बाय करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको चारों पॉसिबिलिटीज बता दी हैं जो हो सकती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, अगर आप इस पैटर्न को मास्टर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही जगह पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना, उससे आपका 90% काम हो जाएगा। मैंने आपको सारे लेवल्स दे दिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, बस आप इस पैटर्न को मास्टर अगर एक बार कर लेंगे, जब भी प्रॉपर ब्रेकआउट आए, रीटेस्ट आए, फिर उसको बाय करें, तो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में मेजर इंप्रूवमेंट आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं, रीटेस्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मेरे प्रीवियस 4-5 वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम इन द नेक्स्ट वीक अगर कोई भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड आती है, तो उसको मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।